चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी को प्रदूषण और गंदगी से बचाने उतरे युवा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी व शिवराज को खून से लिखा पत्र। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तप स्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में तपोबल प्रभाव से उद्गमित होकर बहने वाली पावन पुण्य शलीला पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कारण यह है कि लगभग 1 सैकड़ा से अधिक नाले जाकर पवित्र नदी में गिर रहे हैं। चित्रकूट में नदी किनारे बने बड़े बड़े मठ मंदिरों से निकलने वाले गंदे पानी से पवित्र नदी की हालत बिगाड़कर रख दी है। वर्तमान समय में अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र नदी मंदाकिनी तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। तिल तिल कर मर रही पवित्र नदी मंदाकिनी को बचाने चित्रकूट के युवा पत्रकार अनुज हनुमंत ने अपने खून से यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। अनुज हनुमंत ने बताया कि भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम सदैव से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। माँ सती अनुसुईया द्वारा अपने तपोबल से पवित्र नदी मंदाकिनी को उद्गमित किया गया था, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है। वहीं पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जहां वर्तमान समय में लगभग 1 सैकड़ा नाले सीधे नदी में गिरकर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वहीं नदी किनारों पर लगातार अतिक्रमण के चलते नदी के जल स्रोत धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा जा चुका है। समूचे विश्व में चित्रकूट वैश्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कर्मस्थली है और गोस्वामी तुलसीदास जी सहित अनेकों संतों का एक कर्म क्षेत्र रहा है। ऐसे में चित्रकूट में एक पावन नदी जो कि हमारे चित्रकूट की जीवन धारा है और जिसे काफ़ी बड़े तपोबल से अनुसुईया माता ने यहाँ पर लाई थी वो, और इस नदी में भगवान राम ने भी स्नान किया। लाखों करोड़ों भक्त आते हैं रोजाना, वो स्नान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नदी की जो स्थिति है वो इस समय बेहद ख़राब है और हमें ये कहने पर गुरेज नहीं कि मृत्युशैया पर हमारी मंदाकिनी नदी है। लगभग 0.5 सैकड़ा नाले जो प्रदूषित नाले हैं वो सीधे नदी पे गिर रहे हैं। बड़े पैमाने पे जो कब्जे हैं लोगों के मंदाकिनी नदी के स्रोतों पे वो बहुत ज़्यादा हैं और कई ऐसे मठ मंदिर और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार मंदाकिनी नदी की जो अविरल धारा है उसे ख़राब कर रहे हैं। सबसे बड़ा विषय हमारे मन में था कि प्रदूषित नाले जो हैं उनको या तो बंद किया जाए या तो उनकी टैपिंग की जाए, और अकेले नगरपालिका करबी क्षेत्र में 2 दर्जन नाले ऐसे हैं। इस संबंध में कई बार प्रशासन द्वारा पत्र लिखा गया लेकिन साल दर साल सिर्फ प्रशासन के नुमाइंदे बदलते हैं, अब तक कुछ हुआ नहीं है। इससे रुष्ट होकर मैंने विगत कई महीनों पहले भी एक बार खून से पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस बार मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान तीनों को मैंने पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन नालों को या तो जल्द से जल्द बंद किया जाए या तो टैपिंग करके इन नालों को सीधे गिरने से मंदाकिनी नदी में रोका जाए, क्योंकि स्थिति बेहद ख़राब है। और अगर मंदाकिनी नदी को हम नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ हम यही बताएंगे कि एक मंदाकिनी नदी थी, और यकीन मानिए कि अगर मंदाकिनी नदी नहीं रहेगी तो चित्रकूट की जो पावन धारा है उसका भी कोई मोल नहीं रहेगा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।